अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर आल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोजेस व्यूअर्स, इस टाइम में गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हो और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये है गोल्डा मोड़ अंडरपास के लेफ्ट साइड पर जो सर्विस रोड है जिस पर स्पार्ट का काम हो रहा है उधर मौजूद हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अगर आप सामने देख ले, ये जो गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के ऊपर जो ब्रिज है ये वही जगह है। उधर से अभी मैं जो जा रहा हूँ खाजा आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ, जो इस पर अस्पताल का काम शुरू है उधर से शुरू है। तो आगे ही जो सामने गाड़ियाँ खड़ी है तो ये आपको दिखा रहा हूँ। ये अस्पताल से बड़ी बड़ी है और आगे जो है जो काम हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये इधर से मैं जा रहा हूँ, ये एरिया अस्पताल के लिए रेडी है जिस पर अस्पताल उधर से शुरू है। तो वो एरिया आपको दिखाते हैं। तो ये तो मोहसिन फिर, तो अगर आप देख ले तो ये सारी गाड़ियाँ जो खड़ी है ये अस्पताल से भरी है और उधर से काम शुरू है वो आपको दिखाते हैं। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी है उधर से जो है अस्पताल का काम शुरू है तो ये आपको दिखाते हैं। तो ये जो है तो ये अस्पताल का काम हो रहा है। ये अगर आप देख लेते और मशीन इधर खड़ी है और आपको एक और हम खुशखबरी सुना रहे हैं। ये जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के लिए इन्होंने अभी लाइट लगानी है। अगर आप देख ले, मैं आपको जूम करता हूँ सामने, आप देख ले गोल्डा मोड़ अंडरपास के ऊपर जो लाइट लगा रहे हैं वो बंदा आप देख सकते हैं। उधर जो क्रेन के जरिए ऊपर जो है वो लगा रहे हैं ऊपर, और ये जो अंडरपास के ऊपर जो लाइट्स है स्ट्रीट लाइट वो भी लग रहे हैं। और इस तरफ अगर अस्पताल में आपको दिखाऊं तो अस्पताल का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है जो बाकी है। और इधर जो है ये फेबर यूनिवर्सिटी का हाउस है, इसके सामने जो है इनके लिए पार्किंग भी ज़्यादा हो जाएगी अगर आप देख लें तो। ये काम हो रहा है तो आगे तक आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह जो अस्पताल का काम है बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, तो ये मशीन किधर खड़ी है, दूसरी मशीन दूसरी तरफ है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा काम हो चुका है, ये आपको आगे तक दिखाते हैं। मशीन इस पर चलती है, जो रूलर स्टील रूलर इस पर ऑलरेडी इन्होंने घुमाया है और रिकम्पेक्शन हुए, और इसके ऊपर जो है ये जो PTR है जो मशीन है जिसके रबर के इसके जो रबड़ के टायर हैं वो इस पर वो मशीन चल रही है जो कंपेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप देख ले तो स्ट्रीट लाइट लग गए उधर से, वो सारे स्ट्रीट लाइट जो है लग गए। आप मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट ये लग गए सारे। अगर आप देख ले ये पूरा स्ट्रीट लाइट लग गए, ये सामने और लगा रहे हैं। तो स्ट्रीट के ऊपर जो लाइट है ना, जो वो लाइट लगा रहे हैं कि सामने, मैं आपको जूम करता हूँ दोबारा। ये अगर आप देख ले बंदा लगाए और उसमें लाइट तो लगाए, उसमें लाइट लगा रहे हैं। और इधर जो अस्पताल का काम है ये बिल्कुल आखिरी मराल में है, जो सर्विस रोड पर बाकी काम हो चुका है। तो काम का मजा है, मतलब बहुत सफाई के साथ। और अगर आप देख ले तो ये जो सर्विस रोड है इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई है। इसके साथ ही है कि अगर गाड़ियाँ चलती भी है तो साइड में इसके साथ जो है पार्किंग की बहुत ज़्यादा जगह है। तो ये इसकी क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं। और ये मशीन खड़ी है, ये लेबर शेबर और ये जो इस पर काम करने वाले लोग हैं सारे इधर खड़े हैं और काम हो रहा है। तो ये बहुत मजे का काम है। और ठीक ठाक काम कैसा जा रहा है? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ ये काम। बाकी मोहसिन व्यूअर्स, ये जो अंडरपास है इसकी वजह से जो I-14, I-15 और I-16
इन सेक्टरों का रेट ऊपर जा रहा है, दिन ब दिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है। और आईचोदा की तरफ जो डबल रोड है उस पर भी काम बहुत तेज़ी से शुरू है, तो रेट ऊपर जा रहा है। तो अगर आप देख ले तो अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज बना है G13 से या कश्मीर हाईवे से इस्लामाबाद की तरफ जब आते हैं, तो उस ब्रिज के ऊपर जब आप जाएंगे तो जो आईचोदा की तरफ डबल रोड है उस पर सीधा जाके आप आईचोदा में जो है एंटर हो सकते हैं। I-14 में यानी G13 से लेकर I-14 तक आप सीधा आ सकते हैं, यानी ज़्यादा से 2 से 3 मिनट में। और उधर जो है इसकी वैल्यू इस वजह से भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि G13 में अगर आप देख रहे तो 4 मरले का प्लाट जो है वो 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक है, और I-14 में जो 5 मरले का प्लाट है वो है तकरीबन 1 करोड़ प्लस में, 1 करोड़ 10 से 1 20। और जैसा कार्नर या डबल रोड का प्लाट हो तो 1.5 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। और इसी तरह I-15 और I-16 में जो 5 मरले का प्लाट है वो भी 1 करोड़ में के प्लस माइनस है, और अभी रेट बढ़ रहा है सिर्फ 5 मरले का। और अगर 30-60 की बात करें तो उसका रेट भी उसके साथ साथ बढ़ चुका है। अगर आप देख ले तो ये आगे तक इन्होंने ये जो है अभी इधर ये स्टील रूला है इस पर इन्होंने घुमाया है, और ये आगे तक ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इसका काम ऑलरेडी हो चुका है, तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाल्लाह आन करीब ये जो अस्पताल का काम है ये ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आगे तक आपको दिखाता हूँ। ये सारी गाड़ियाँ जो खड़ी है ये अस्पताल की है, और अस्पताल से बड़ी पड़ी है। तो ये इन्होंने जो है अगर आप देख ले तो ये सर्विस रोड इधर तक ये पूरा उधर तक मुकम्मल जो है ये पूरा विड्थ के साथ ये पूरा जो वेयरिंग कोर्स है अस्पताल का काम है वो ख़त्म हो चुका है। इससे आगे जो है इन्होंने आगे करना है, जिधर से गाड़ियाँ जा रही है इधर एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप से आगे जो है ये बाकी है एक पट्टी, बाकी जिस पट्टी पर मैं आया ये आगे तक इन्होंने काम को लेके गया है। तो ये आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल मैं कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल तकरीबन पहुँच चुका हूँ। अगर आप देख ले सामने कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, और इसके सामने से गुजर के आगे तक जो है इन्होंने जो काम किया है ये आपको दिखाते हैं। तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो गया, और बाकी अगर आप लोगों ने हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है I-14 में, I-15 और I-16 इन सेक्टरों में, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 9092333945909, ये मेरा मोबाइल नंबर है, दोबारा सुन ले 9092333945909। तो इस पर व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और हमारे थ्रू एतमाद के साथ जो है आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आखिर में दोबारा आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर आल का बटन प्रेस करें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। बाकी अपना अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में, टिकटॉक ग्रुपों में मेरा जो चैनल है इसको शेयर करें, ताकि सारे लोग जो है वो सब्सक्राइब करें और उनको फ़ायदा हो जाए, और उनका जो है उनको वीडियो मिल जाए तो उससे वो मुस्तफ़ीद हो जाएंगे, उनको मालूम हासिल हो जाएंगे, और रियल इस्टेट के बारे में उनको इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो जाएगी। तो इसके साथ मैं आप लोगों से जा चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।